फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो नेताओं की छवि होती है वो काफ़ी धूमिल करके दिखाई जाती है। अक्सर फिल्मों में एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, मुखिया, जब इनको दिखाया जाता है तो उनके साथ एक आपराधिक छवि दिखा दी जाती है। जनता पर जुल्म करते हैं, चुनावों में केवल पहुंचते हैं और तब भी ज़बरदस्ती अंगूठा लगाकर किसी की ज़मीन छीन लेते हैं तो किसी का वोट छीन लेते हैं, महिलाओं पर बुरी नज़र डालते हैं। ये छवि भारतीय सिनेमा ने हमारे नेताओं की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उन्हें उनसे नफरत है। दरअसल नेताओं में एक छवि ऐसी रही है, उस छवि का प्रदर्शन लगभग जब सिनेमा में हुआ है तो इसी तरीके का हुआ है और उसकी वजह से सारे नेताओं को ये दंश झेलना पड़ता है। किसी भी सभा कमेटी जहाँ पहुँचते हैं दो चार लोग जरूर मिल जाते हैं जो उन्हें दूसरी नज़रों से देखते हैं। हालांकि नेताओं का जनप्रतिनिधि के तौर पर हर जगह सम्मान होता है लेकिन कई जगहों पर उन्हें अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। लेकिन इन सब कहानियों से अलग यदि नेता फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके से हीरो को दिखाया जाता है अगर उस तरीके से हो जाए तो रॉबिनहुड बन जाए। तो बिहार में एक ऐसा ही वाक्या हुआ। दरअसल ये पूरी कहानी क्या है वो जान लीजिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सासाराम में हिंसा हुई थी, नालंदा में भी हुई थी, नवादा में, माफ़ कीजिएगा, और इन दोनों घटनाओं के दौरान कई लोगों के इन्वॉल्व होने की खबर हमें आई थी। इस दौरान आपको याद होगा कई गिरफ्तारियां हुई और उन गिरफ्तारियों को लेकर राजनीति भी हो रही है। अब इसी घटना के तहत सासाराम में भाजपा के एक पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास जेल में गिरफ्तार पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद से मुलाकात करने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि सम्राट चौधरी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इन दोनों जगहों का दौरा कर चुके हैं, इन लोगों से मुलाकात भी उन्होंने किया है और ये हमला भी किया है बिहार सरकार पर कि वो ज़बरदस्ती भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो केवल धार्मिक कार्यक्रमों में लगे हुए थे और जिनके ऊपर खास समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया उन्हें विक्टिम को उन्हें ही कहीं ना कहीं मुजरिम बना दिया और उन्हें ही जेल में डाल दिया। अब जिन्हें गिरफ्तार किया गया जवाहर प्रसाद को वो एक दो बार नहीं कई बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात करने वालों की संख्या लंबी है और लगातार भाजपा के अलग अलग जगहों के नेता, सांसद, विधायक सभी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद के सांसद जो हैं सुशील कुमार, ये भी मुलाकात करने रोहतास गए थे और जवाहर प्रसाद से मुलाकात इन्होंने की। मुलाकात करने के बाद जैसे ही वो रोहतास से निकले आगे बढ़ रहे थे, इसी बीच में तीन अपराधियों ने जो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे और जिनके हाथ में बंदूक लहरा रही थी, उन्होंने एक महिला जिसका नाम सरिता बताया जा रहा है उसकी चेन खींच ली। महिला किसी काम से अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी, अपराधियों ने उसकी घेराबंदी की और उससे चेन छीनकर लगे भागने। ये पूरा वाकया सुशील कुमार ने देख लिया। अब देखने के बाद उनसे रहा नहीं गया, कैरिकेड में उनके साथ उनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो भी थे, ड्राइवर थे वो खुद थे, कई सहयोगी थे। उन्होंने इस मौके को समझा और रॉबिनहुड की तरह उन अपराधियों का पीछा शुरू कर दिया। अपराधियों को जब ये बात पता चली कि पीछे सांसद महोदय की गाड़ी लग गई है और साथ में उनके हथियार बन उनके अंगरक्षक हैं, तो उन्होंने बंदूक को लहराना भी शुरू कर दिया। कई बार विधायक की गाड़ी की तरफ बंदूक को लहराया, लेकिन विधायक बार सांसद महोदय की गाड़ी की तरफ बंदूक को लहराया लेकिन सांसद महोदय डरे नहीं, वो उसी तरीके से पीछा करते रहे। ये पूरा वाकया लगभग 8-10 किलोमीटर तक चलता रहा। 10 किलोमीटर बाद किसी तरीके से सांसद महोदय ने उन अपराधियों के आगे गाड़ी लगाई फिल्मी स्टाइल में और सिंघम की तरह उतरकर उनको पकड़ लिया। इस बीच परिस्थितियां ऐसी भी बनी कि दो तीन बार जो कट्टा है उनके हाथ में था अपराधियों के, वो कभी अंगरक्षक के कनपट्टी पर तो कभी सांसद महोदय के कनपट्टी पर। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ, अपराधियों ने देख लिया कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो पकड़े जा चुके हैं तो उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। बाद में उन तीनों अपराधियों की जमकर हजामत भी की गई जनता के द्वारा। लेकिन इस बीच जो चेन छीनी गई थी वो चेन प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अब रॉबिनहुड महोदय उस चेन को प्राप्त करने की कहीं ना कहीं फिराक में लगे। उन्होंने अपराधियों से पूछा कि वो चेन कहाँ है, तो फिर अपराधियों ने बताया कि पीछे ही कहीं फेंक दिया है। फिर वापस पीछे गए और वहाँ से वो चेन बरामद की, महिला को ढूंढा और महिला जिसका नाम सजता बताया जा रहा है उन्हें
ये चेन वापस की गई। चूँकि महिला बहुत पिछड़े घर से आती हैं, इसलिए जब चेन उन्हें प्राप्त हुआ तो उनके आंखों से आंसू की झड़ी निकलने लगी। उन्होंने बताया कि अगर नेता हो तो इस तरीके का हो, वरना ना हो। ऐसे नेताओं की वजह से ही उम्मीद जगी हुई है। अब सुशील कुमार जो कि औरंगाबाद के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, मिलकर तो किसी और कार्यक्रम से आ रहे थे, किसी और प्रयोजन से, लेकिन जो काम उन्होंने किया इसकी वजह से इनकी वाहवाही कल से ही बहुत हो रही है। सभी इन्हें रॉबिन हुड का नाम दे रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि ऐसे सांसद अगर बिहार के 40 जिलों और देश के सभी सीटों पर हो जाए तो कहीं ना कहीं जनता का कल्याण होगा ही होगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिन अपराधियों को पकड़ा गया उन्हें बाद में जेल भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जिस तरीके से सांसद महोदय ने रॉबिन हुड बनकर एक महिला के छीने गए चेन को बरामद कराया, लोग यही कह रहे हैं कि यदि सांसद हो तो सुशील कुमार जैसे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।